खबर आ गई है, सीएए के नोटिफिकेशन जारी हो गए। सीएए जो नागरिकता संशोधन कानून था उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पा रहा था, पिछले 4.5 वर्ष हो गए उस बात को। अब वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो उसके रूल्स हैं वो फॉर्म करके उसकी नोटिफिकेशन जारी की जाती है। तो सीएए का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, मतलब अब देश में ये कानून तो पहले ही बन गया था, लागू भी हो गया है, ये प्रक्रियागत तरीके से लागू हो गया है। ये बड़ी खबर है, सीएए नागरिक संशोधन कानून जो एक्ट जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 2019 में, उसको लेकर के तब देश भर में बड़ा हंगामा हुआ था, विरोध किया गया था इसका, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से। लेकिन सरकार ने उसके बाद बार बार अपनी डेडलाइन बढ़ाती रही कि अब अगले 6 महीने में जो है वो रूल्स फॉर्म कर लिए जाएंगे या नियम बाद में तय किए जाएंगे। होते होते लगभग 5 साल हो गए, अब चुनावों से ठीक पहले सीएए के रूल्स फॉर्म करके उसको नोटिफाई कर दिया गया है। फिर मैं सरल भाषा में आपको बता दूं, ये कानून पार्लियामेंट से तो पास हो गया था लेकिन देश में प्रैक्टिकल तौर पर लागू नहीं हो पाया था, वो अब हो गया है, वो ये कानून अब लागू हो जाएगा। इसका सीधा संबंध मतलब ये है कि हमारे जो पड़ोस से लगते हुए जितने भी मुल्क हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान खास तौर पर, इन राज्यों में हिंदू, बौद्ध, सिख, इस तरीके की आप कह सकते हैं उसमें 4-5 धर्म हैं, उनसे जुड़े उन धर्मों के प्रताड़ित जितने भी लोग हैं, जिनको उनकी धर्म की वजह से प्रताड़ित किया जाता है इन देशों में, उनको भारत में स्वाभाविक तौर पर अब नागरिकता मिल जाएगी। वरना किसी देश का नागरिक बनने के लिए, भारत का नागरिक बनने के लिए पहले से प्रक्रिया थी, वो अलग अलग सिस्टम के तहत लोगों को सिटीजनशिप दी जाती थी। लेकिन ये उनकी रिहाइश के देश और उनके धर्म को देखते हुए विशेषकर भारत में ये प्रावधान किया गया है कि उनको स्वतः एक नागरिकता प्रदान कर दी जाए, और अब वो कानून बनने के बाद लागू हो गया है। देवेंद्र के पास हम चलेंगे इस बड़ी खबर पर। जी देवेंद्र बताइए। या सर, जैसा कि लगातार हम लोग इस बात को कह रहे थे कि आज गृह मंत्रालय के सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि सीए के रूल्स नोटिफाई कर दिए जाएंगे, वो अब कर दिया गया है। यानी कि 4 साल पहले 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, इस तरह के पारसी हो, इस तरह के जो 6 धर्मों के लोग थे उनके धार्मिक उत्पीड़न के अगर वो शिकार हैं, तो वो अगर भारत आ रहे हैं शरणार्थी के तौर पे, तो उनके नागरिकता देने का रास्ता साफ किया गया 2014 से पहले, और 2014 के बाद अगर वो आए हैं तो उसके लिए अलग प्रक्रिया होगी। 4 साल पहले कानून तो बना दिया गया था, लेकिन उसके बाद हम सभी जानते हैं कि कोविड का दौर आ गया, कोविड के दौर के चलते फिर इसको रोका गया नोटिफाई करने में, फिर कुछ लोगों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। सीए के कानून को कोर्ट में ये कहते हुए भी चुनौती दी गई थी कि ये बाकी देशों से जो लोग आएंगे उनका क्या, तब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पूरी दुनिया का हम ठेका नहीं ले सकते, लेकिन इन 3 देशों में अगर इन धर्मों के लोग अगर आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी अगर वो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आ रहा है। और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार से ये कहा गया कि बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें ये भी कहा गया कि मुसलमानों के ऊपर ये क्यों नहीं लागू होता, तो उसमें ये कहा गया कि उन देशों से, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहां से कोई मुस्लिम धार्मिक उत्पीड़न के चलते तो हिंदुस्तान नहीं आएगा, और ऐसे में धार्मिक उत्पीड़न का जो शिकार होते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, उन लोगों के लिए इस कानून की व्यवस्था की गई है, और अब वो रूल नोटिफाई कर दिया गया। 8 बार इस रूल को नोटिफाई करने की मियाद लगातार आगे बढ़ाते गया था। नहीं, और ये एक ऐसी चीज थी जो कि इसका विरोध करने वाले भी स्वीकार करते थे, या वो इसका इससे इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में क्या हिंदुओं के साथ या सिखों के साथ अत्याचार नहीं होता है, हिंदू लड़कियों को बार बार अगवा करने के हमारे सामने वाकयात आते हैं, सामने कहीं मार दिया जाता है, सिखों को कत्ल कर दिया जाता है, अफगानिस्तान से आज भी सिखों को लेकर अपना देश छोड़कर यहाँ आना पड़ता है, कई बार उसकी व्यवस्था भारत सरकार करती है, ऐसे लोगों को एक नागरिकता मिल जाए, उनको एक शेल्टर मिले भारत में, इसके लिए ये कानून बनाया गया था, जिस पर एक बड़ा बितंडा खड़ा किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता देने का कानून है, फिर हम इसको कहेंगे आपसे, ये किसी की नागरिकता लेने वाला तो कतई नहीं था, इसमें कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है जो किसी की नागरिकता पर कोई सवाल उठाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले, धर्म के आधार पर प्रताड़ना सहने वाले लोगों को भारत में नागरिकता देने के लिए यह कानून बनाया गया था। 2019 में कानून बना था, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इन धर्मों के लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई थी अगर ये वहां प्रताड़ित हो रहे हैं तो। इसमें मुसलमान नहीं थे, और इस पर इसी पर हमारे यहां एतराज किया गया था कि इन देशों के मुसलमानों का भी नाम इसमें क्यों नहीं दिया गया। अभी देवेंद्र ने बड़ा क्लियर बता दिया आपको। आप सोचिए, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, तीनों देशों में जिसके लिए ये कानून बना, वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है,
मुस्लिम बहुसंख्यक है और जो अल्पसंख्यक समुदाय उसकी आबादी बहुत कम है, 10% से कम है। तो ऐसे में वहां बहुसंख्यक कैसे प्रताड़ित हो सकता है? ये बात सरकार की तरफ से पहले ही बार बार कही गई थी लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और इसका हमारे देश में कहां कहां असर पड़ेगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पूरे देश में सीएए का कानून अब लागू हो गया है, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला एक कानून है। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? दो तीन बातें बहुत साफ साफ। एक, ये बहुत अच्छा निर्णय हुआ है, कम से कम ये जो तीन इस्लामिक कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब जो सताए हुए लोग हैं जो भारत में आकर के रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जा रही थी, वो स्टेटलेस पीपल होकर के रह रहे थे, वो अब भारत के नागरिक बन सकेंगे। एक दूसरी बात कि मुस्लिम लोगों को यहाँ पर जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी नागरिकता से मना नहीं किया गया है, लेकिन वो सामान्य प्रक्रिया के तहत से उनको गुजरना पड़ेगा, कानून के जरिए नागरिकता नहीं। बिल्कुल। तीसरी बात हमको देश के मुसलमानों से इस चीज का बिल्कुल एक सवाल है कि जिनके पुरखों ने इस देश को बांटा ये कह करके कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हमारी सभ्यता अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे पूज्य बिंदु अलग हैं, हमारे प्रतीक अलग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रखे, और वो पाकिस्तान का उन्होंने निर्माण किया, उनकी औलादों को भारत में क्यों रहने दिया जाए? और उनकी औलादों के लिए भारत का मुसलमान जो कहता है हम पाकिस्तान के साथ नहीं थे, तो पाकिस्तानियों के औलादों के साथ वो क्यों खड़ा होने के लिए याद कर रहा है? मेरा बड़ी बड़ी सवाल है। और मैं इसलिए एक मिनट और देखिए, मैं बहुत खुल करके बोलता हूं, मुस्लिम समस्या पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि आपका स्क्रिप्चर कुछ और कहता है पैन इस्लामिज्म, वो खतरा भारत के लिए भी है, वो खतरा दुनिया के लिए भी है। इसलिए भी डेमोग्राफी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम सेकुलरिज्म का नारा लगाते रहे, बोलते रहे, हमें सब करते रहे, ये सब चीज कर होते रहता है, लेकिन जो सच्चाई है, वास्तविक सच्चाई ये है कि आपको बांग्लादेश से सीमा लगे हुए सारे हिंदू भाग करके शहरों में भागना पड़ा है। ये सच्चाई को आप समझिए कि किशनगंज एरिया, पूर्णिया एरिया और बिहार के कई ऐसे एरिया हैं वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा है, ये कई ऐसे एरिया हैं आसाम से, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा है। ये ऐसी कौन सी मानसिकता है जो इस देश में खड़ा करती है? और भारत का मुसलमान उनके लिए क्यों लड़े, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। जी देवेंद्र, अब जरा आप बताइए कि इसका भारत में ये कानून लागू होने का प्रैक्टिकल प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, और हमारे यहाँ खासकर किन इलाकों में या किन राज्यों के अंदर में इसका असर देखेंगे? सर, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रैक्टिकल, लेकिन मुझे लगता है कि आप पूछना ये चाह रहे होंगे ज्यादा जो मंशा हो सकती है कि राजनीतिक प्रभाव, जिसमें लोगों की दिलचस्पी होगी, उसका सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव सौरभ ये रहेगा कि अगर पश्चिम बंगाल के लिहाज से ही बात कर लें तो पश्चिम बंगाल में चाहे नदिया, हुबली, 24 परगना, इस तरह की 6 लोकसभा सीटें हैं जहां पर बांग्लादेश से आए हुए हिंदू संप्रदाय यानी मथुरा संप्रदाय के लोग वो वहां पे रह रहे हैं, और उनकी नागरिकता का मसला फंसा हुआ था बीजेपी के एजेंडा में, यानी कि मैनिफेस्टो में इस बात को का ऐलान किया गया था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है तो वो सीए कानून लेकर आएंगे, और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा अहमियत थी, कितनी ज्यादा जरूरत थी, और उस काम को किया गया। दूसरी चीज कि भले ही 4 साल लग गए थे सौरभ कि इस कानून को बनाने के नियम बनाने को लेकर, लेकिन इस बीच भी जो हमें जानकारी मिली गृह मंत्रालय के सोर्सेज के मार्फत, कम से कम 9 राज्यों के 30 जिला अधिकारियों को इस बात का परमिशन दिया गया था कि ऐसे जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनको वहां पर नागरिकता दिलाने की व्यवस्था की जाए ताकि उनको होल्ड पे अनिश्चित काल तक ना रहना पड़े। तीसरी चीज की ये जो रूल्स बनाए गए हैं सौरभ, इसको बहुत आसान तरीके से यानी कि वेबसाइट के मार्फत, अपने मोबाइल के मार्फत आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप वो सारी चीजों को दे सकते हैं। तो एक आसान सी प्रक्रिया अपनाई गई है, और इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो लोग भी धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हुए हैं उनकी नागरिकता का मामला कितना आसान हो जाएगा। आसाम के लेके जरूर एक कंसर्न था, पिछले कुछ दिनों में हमने कई बार देखा कि आसाम के मुख्यमंत्री की गृह मंत्रालय में काफी लंबी बातचीत हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बातचीत हुई, और उन लोगों ने उस स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कैसे रखा जाए ताकि कोई दुष्प्रचार ना फैले, कोई माहौल खराब ना हो, इन सारी चीजों को पहले ही तय कर लिया गया था। और आज सुबह से आसाम के अधिकारी अलर्ट मोड पर थे कि जैसे रूस नोटिफिकेशन आया तो ऐसा ना हो कि कोई असामाजिक तत्व
इसका सहारा लेके कोई माहौल खराब करने की कोशिश करे। सौरभ जी एक बार जयंत घोषाल जी के पास भी जाना चाहिए। जयंत आप, ये कानून बन चुका है सीए, अब लागू हो चुका है, अब तो अब आप बताइए इसका क्या परिणाम आप देखते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो इसे आइडियोलॉजिकल इशू ऑफ बीजेपी, और बीजेपी का ये इशू आज का नहीं, बहुत पुराना इशू है। जैसे देवेंद्र ने कहा, इसका पूरा देश में इसका जो असर है, क्योंकि ये हिम्मत इसके पहले कोई सरकार नहीं कर पाया। अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो उसमें देखना लायक है, लेकिन इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन में भी मुझे, मैंने मेरा जो जानकारी है और व्हाटएवर मेरा परसेप्शन है कि अमित शाह जी ने भी धीरे धीरे स्टेट वाइज, देखिए हिंदी हार्टलैंड में इसका जो असर है, जैसे असम में ये जो असर है कि नॉन असम, नॉन असमीज, क्या आपको पता होगा कि असम में हिंदू मतलब सिर्फ बंगाली तो नहीं है, असमीज हिंदू है, बंगाली हिंदू है। असम में ये एंटी बंगाली एक मूवमेंट का हिस्ट्री है, तो इसमें बहुत सतर्क होना भी जरूरी है। और वो असम सरकार बहुत अच्छे तरीके से, वो जो हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से जी, दादा एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। ममता बनर्जी ने अभी अभी सीएए पर कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं ममता बनर्जी का क्या कहना है। अरे मैं आपको बयान दिखाने जा रहा हूं, ममता बनर्जी ने सीएए का विरोध करने का ऐलान किया है, इतना मैं आपको बता सकता हूं। और उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी चुनाव में पब्लिसिटी लेना चाहती है, लोगों का हक अगर छीना गया तो हम इसका विरोध करेंगे। पहले ही वो आ चुकी हैं अपनी लाइन पर कि इसमें लोगों का हक छीना जाएगा। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग, आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज, उसका बाद चार साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जो आते हैं एक कुछ कुछ गाल गप गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप्पू है, लेकिन असली फौजा किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा अगर किसी का आप अधिकार छीनेंगे तो हम देखेंगे, मतलब तब हम उसका विरोध करेंगे। भाई कानून में कहीं है ही नहीं किसी का अधिकार छीनने वाली बात। सिटीजनशिप पर कानून लाने और न लाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, ममता बनर्जी का यह अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। यदि ममता बनर्जी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती हैं तो मुझे लगता है ऐसी सरकारों को डिसमिस कर करके ये बताना चाहिए कि आपकी औकात क्या है। सिर्फ और सिर्फ देश विरोध पर अपनी सत्ता के लिए राज्य में आप खड़े हो जाएं, देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, आने वाले दिनों में देश के सुरक्षा का क्या होगा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत की उनकी राजनीति के लिए क्या लाभदायी है पश्चिम बंगाल के अंदर। चूंकि बांग्लादेश से आए हुए लोगों ने, खास करके मुसलमानों ने, वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है, इसलिए उनको लगता है कि ये जो नागरिकता कानून होगा उनके खिलाफ जा सकता है। एक चीज बता दूं, अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अभी के विजुअल्स हैं, दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है अभी से।